हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार रिपीट होते हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में, वो क्वेश्चन यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 15 मिनट की वीडियो है, ये वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और आप सभी को पता है कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 18 फरवरी से। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया और यूपी बीएड करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी फॉर्म डाल के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आइए देखते हैं किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी बीएड एग्जाम में। इससे पहले अगर आप यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का प्रीवियस पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, जो 2020 में हुआ था उसका पेपर आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस पेपर का लिंक दे दिया है, जाके आप पूरा पेपर देख सकते हैं किस तरीके से प्रश्न आया था, पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2020 में। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इसको व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा और उनको बताइएगा कि यहां पर वीडियो अपलोड होती है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगर ऐसे ही और भी वीडियो चाहिए, और भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो कॉमेंट में जरूर बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप लोग आंसर कमेंट में कर दीजिएगा मेरे आंसर बताने से पहले, इससे आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा और याद भी जल्दी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यहां पर, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दें फटाफट। और अगर आप लोगों ने 500 लाइक इस वीडियो को दे दिया तो इस जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसका पीडीएफ फाइल आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन, उसको ज्वाइन कर ले, वहां पर आगे भी आपको क्वेश्चन पेपर और बुक्स वगैरह वहां पर प्रोवाइड की जाएगी, पीडीएफ फाइल भी दी जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में जरूर कहिएगा कि सर वीडियो को लाइक कर दिया, आप प्लीज पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करें फ्री में। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता में, किस सभ्यता संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जौन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही हो जाएगा, जैनियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, गीत गोविंद किसकी कृति है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दें, गीत गोविंद किसकी कृति है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा दोस्तों, जयदेव। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आप सफलता चाहते हैं, फ्री सीट चाहते हैं, सरकारी सीट चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, आपको फुल प्रिपरेशन करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री में बीएड की हमारे यूट्यूब चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और भी क्लासेस यहाँ पर अपलोड होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, शिवाजी का राज अभिषेक कब हुआ था। शिवाजी का राज अभिषेक कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दे दीजिए बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज अभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अकाल तख्त का निर्माणकर्ता इनमें से कौन सिख गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दें, अकाल तख्त का निर्माणकर्ता इनमें से कौन सिख गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी यहां पर सही है दोस्तों, गुरु हरगोविंद। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दें आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है, वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी कहां खोली गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है, सूरत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है देखिए। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही, तो आप सभी को पता होगा लखनऊ से। लखनऊ में इनका, इनके नाम से पार्क वगैरह भी बना हुआ है, बेगम हजरत महल पार्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन से हो जाएगा, इन्होंने ही लखनऊ में 1857 की क्रांति का
नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित है संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सही हो जाएगा चंपारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दें समाचार पत्र पत्र केसरी का संपादन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, यहां पर सही है बी जी तिलक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दांडी यात्रा, क्या कह रहा है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी। 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सही है साबरमती आश्रम से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने ये रहा। प्रश्न कह रहा है हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दें आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी से है दोस्तों, यहां पर शुक्र। जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, एक वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 है ट्रुड्रा क्या है ये बताना है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से ये शीत मरुस्थल है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए प्रश्न कह रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दें, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। प्रश्न है वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर दीजिए फटाफट। 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहां पर सही है लद्दाख का पठार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 16 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है गोदावरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए पश्चिमी घाटी के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही है कोंकण तट कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न कह रहा है वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं। वह प्रोग्राम जिसे किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है ह्यूमन कोड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, ह्यूमन कोड कहते हैं उसको जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादक के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहकारी कृषि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी से तूती कोरिन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 कह रहा है दिल्ली में सर्दियों की के समय वर्षा क्यों होती है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है। सामूहिक उपभोग से अर्थ क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहां पर सही हो जाएगा घरेलू खपत। ठीक है अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है। प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है, 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से ही हो जाएगा GNP बाजार कीमत, ये आपका जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए 24 नंबर है भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। 24 नंबर का उत्तर देना है आपको। तो 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बिक्री कर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है। प्रश्न है निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा। 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यहां पर सही है 2022 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर, चेक। चेक जो है एक वैकल्पिक मुद्रा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न कह रहा है संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर फटाफट कमेंट कर दें, वेरी गुड, 28 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? 29 का राइट आंसर दें आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, भारत की जनता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दें, शिक्षा शब्द जो है वो किससे संबंधित है? 30 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, समवर्ती सूची से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है भारत में के संवैधानिक संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शास्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, अनुच्छेद 33। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन कह रहा है संपत्ति के अधिकार के वर्तमान परिस्थिति क्या है? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए सही है, ये वैधानिक अधिकार में डाल दिया गया है मौलिक अधिकार से हटाकर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट करें, और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया और चाहते हैं इसका पीडीएफ फाइल विद आंसर फ्री में मिले आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, 500 लाइक का एम रखा है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो मुझे पता है इससे भी ज़्यादा लाइक आप लोग करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है, क्या प्राप्त करना आवश्यक है, कितने परसेंट मतदान? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी सही है, कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक कुल मतों का बहुमत हो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न कह रहा है गुट निरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? 35 का राइट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, शक्ति पूंजों से तटस्थ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन कह रहा है भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 36 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, वर्ष 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तक चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए लिया जाता है? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 38 का बी सही हो जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ किया गया या आरंभ हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा, और जो नोबेल पुरस्कार जिनके नाम पर दिया जाता है वो है अल्फ्रेड नोबल, ठीक है, इनके नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 है, देखिए यहाँ पर स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? 40 नंबर का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, सैयद माउंट गोमरी। 40 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो डैश डैश में स्थित है को एक अधिकृत आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया, तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय क्या है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा,
पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है संघाई कॉर्पोरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल है, तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 है। देखिए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर दें आप लोग। और अगर क्लास पसंद आ रही हो, ये वीडियो इंपॉर्टेंट लग रही हो और पीडीएफ फाइल चाहिए फ्री में और या फिर और भी वीडियो ऐसे ही चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। 43 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पारसे, सॉरी यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वर्ष, प्रकाश वर्ष, ठीक है, 43 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। देखिए विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर, तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पायरीडॉक्सिन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 है, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो 45 का उत्तर दीजिए फटाफट, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, सभी को बताया 45 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, न्यूटन, सॉरी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46 है, डीटीपी का विस्तृत रूप क्या है या विस्तार क्या है या फुल फॉर्म क्या है, डीटीपी, फुल फॉर्म ऑफ डीटीपी, तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है यहाँ पर दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 है, मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है, तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48 का सी सही हो जाएगा, मेरुरज्जु, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन कह रहा है रंग वर्णाधंता का किस प्रकार का का रोग है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर यहां पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, अनुवांशिक। अगला और अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 है, चीनी जाति फहियान किस शासक के समय भारत आया था, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में आंसर बताइए, मैं अगली वीडियो में आपको इसका उत्तर दूंगा, चीनी यात्री फहियान किस शासक के समय भारत आया था, उत्तर दीजिए। और वीडियो कैसी लगी है जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्या ऐसे ही आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और भी सीरीज वाली वीडियो चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें अगर आप इसका पीडीएफ फाइल फ्री में चाहते हैं, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, क्योंकि फुल में आपको यहां फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी बीएड की। बहुत बहुत धन्यवाद।